हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको बताने वाला हूँ ओबीएस की बेस्ट सेटिंग जो आप कर सकते हो, और आपकी जो क्वालिटी आएगी वो एकदम तबाहीदार आएगी। क्योंकि मैं जब स्ट्रीमिंग कर रहा था तो बहुत लोगों ने आगे मेरे से पूछा कि भाई ओबीएस की सेटिंग बता दो हमें, क्योंकि हमें भी आपकी जैसी क्वालिटी चाहिए, हमें भी लैग फ्री चाहिए, हम भी लैग फ्री स्ट्रीम करना चाहते हैं और लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपकी सारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेके आ गया हूँ 2023 की बेस्ट ओबीएस सेटिंग। तो फर्स्ट चीज आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो जर्नल है, जर्नल को उसको टच नहीं करना है। स्ट्रीम पे आप कहाँ स्ट्रीम करने वाले हैं वो सेट करना है आपको। तो मेन चीज हमारा आ जाता है आउटपुट। आउटपुट पे ही हमारा पूरा खेल पलट जाता है। फर्स्ट चीज आपको क्या करना पड़ता है, आउटपुट मोड को है ना सिंपल से एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफॉल्ट रहता है वो सिंपल रहता है, उसे आपको एडवांस करना पड़ेगा। एडवांस करने के बाद जो ऑडियो ट्रैक है, ये जो आप देख रहे हैं ऑडियो ट्रैक स्ट्रीमिंग सेटिंग के अंदर, उसे आप वन पे रखिए। एनकोडर पे है ना आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला आपको मिलेगा एनवीडिया का मिलेगा और एक मिलेगा X264। X264 होता है सीपीयू के लिए, जिसका है ना सीपीयू पावरफुल होता है वो लोग सीपीयू से स्ट्रीम करते हैं, और जिसका जीपीयू पावरफुल होता है वो जीपीयू से स्ट्रीम करते हैं। जैसे कि आप वैलोरेंट खेल रहे हैं, वैलोरेंट है ना CPU बेस्ड गेम है, तो आप अगर आप CPU से ही स्ट्रीम करेंगे तो आपको लैग करेगा। अगर आप वैलोरेंट खेल रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप है ना GPU से स्ट्रीम करो। अगर आपके पास CPU पावरफुल है तब भी आप GPU से ही स्ट्रीम करो, क्योंकि वैलोरेंट CPU बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। और सेकंड चीज, जैसे कि आप गॉड ऑफ वॉर खेल रहे हो और आपके पास ग्राफिक कार्ड कम है और आपका CPU पावरफुल है, तो आप CPU से स्ट्रीम करो। वो आपको आपके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा आप कौन सा गेम खेल रहे हो। फिर आता है रीस्केल आउटपुट। रीस्केल आउटपुट में आपका 1920 टू 1080 दिया होगा, आपको यहाँ पर एक छोटे से बॉक्स पे टिक दिखाई दे रहा होगा, उसे आपको अनटिक करना है। फिर आपको नीचे आने के बाद एनकोडर सेटिंग में आपको रेट कंट्रोल CBR पे सेलेक्ट करना है और बिटरेट। अभी देखिए यहाँ पर बिटरेट का खेल क्या होता है, वो आपको इंटरनेट पे डिपेंड करता है। आपका जो इंटरनेट जितना है ना स्पीड होगा, या फिर इंटरनेट का है ना जितना स्पीड होगा, उसके अकॉर्डिंग है ना बिटरेट रखा जाता है। जैसे मेरा 100 Mbps है तो मेरा 100 Mbps कॉन्स्टेंट आता है, तो इसलिए मैं 15,000 kbps रखा हूँ अपना बिटरेट, ठीक है। अगर आपका है ना जो इंटरनेट स्पीड है वो है ना स्टेबल नहीं आता है, ऊपर नीचे जाता रहता है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना बिटरेट 6,000 या फिर 7,000 रखो। उसमें भी स्ट्रीम क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होती है, उस पर भी है ना आपका लैग नहीं करेगा और स्ट्रीम की क्वालिटी भी बढ़िया आएगी। और स्ट्रीम की जो कलर करेक्शन है वो मैं आपको बाद में सेटिंग करवा दूंगा। फिर आपको जाना है की इंटरनल पे। की इंटरवल पे है ना 0 ऑटो पे 2 सेकंड सेट कर देना आपको, मेरी तरह ही बिल्कुल। प्रीसेट में आपको है ना, अगर आपका GPU पावरफुल नहीं है या फिर CPU जिससे आप स्ट्रीम कर रहे हो पावरफुल नहीं है, तो मीडियम पे रखिए या फिर फास्ट पे रखिए। देखिए मेरा एकदम है ना बढ़िया है, मैं 3070 से स्ट्रीम करता हूँ, इसलिए मैं स्लोअर पे रखता हूँ। जितना आप नीचे जाओगे उतनी क्वालिटी आपकी और बेहतर होती जाएगी, उतना ही जो GPU या CPU उतना कंज्यूम करेगा OBS आपका। फिर आता है टर्निंग में। टर्निंग में मैं है ना हाई क्वालिटी रखा हूँ, आप भी अपनी हाई क्वालिटी रख सकते हो। मल्टीप्लास मोड पे मैंने ना 2 पास रखा है, 2 पास क्वार्टर रेजोल्यूशन रखा है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है, ये डिफ़ॉल्ट था तो डिफ़ॉल्ट ही मैंने रखा है। प्रोफाइल पे मैंने हाई सेट किया गया है, आप भी हाई सेट कीजिए। और यहाँ पर जो ओवरलुक होगा आई थिंक वो टिक नहीं होगा, तो उसको आपको छेड़ना नहीं है। साइको विजुअल टर्निंग में भी आपको कुछ छेड़ना नहीं है, ये टिक रहेगा। GPU में जो 0 है वो 0 सेट रहेगा, मैक्स बी फ्रेम में आप 2 सेट कर दीजिए, ओके। और रिकॉर्डिंग सेटिंग में आपको जो सिंपल है उसको एडवांस करना है, सेम ही चीज करनी है। और यहाँ पर टाइप में है ना आपका सिंपल दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको है ना कस्टम करना है, कस्टम आउटपुट। कस्टम आउटपुट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो PEG आउटपुट है टाइप, वो आपको आउटपुट टू फाइल करना है, ठीक है। आउटपुट फाइल करने के बाद आपको जो आपकी रिकॉर्डिंग है, जो OBS से आप रिकॉर्ड करोगे, वो आपको कहाँ सेव करना है, कौन से ड्राइव में सेव करना है, तो यहाँ पर आप ब्राउज करके है ना अपनी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड में थर्ड में आपका आता है कंटेनर फॉर्मेट। कंटेनर फॉर्मेट मैंने डिफॉल्ट रखा है, जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो सेम डिफॉल्ट ही है। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है OBS के अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने बस अपना बिटरेट सेट किया है, जो बिटरेट है 20,000 मैंने सेट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर
सकते हो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो कितना है ना कंज्यूम करना चाहता है। देखिए रिकॉर्डिंग के अंदर आप है ना कम से कम 10,000 तक रख सकते हो। अगर आप है ना आपका जीपीयू या फिर सीपीयू लो है तो आप 10,000 तक रख सकते हो, वो आपको स्ट्रीमिंग की तरह इतना जोर नहीं उठाता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। फिर ऑडियो में मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, रिप्ले बफर में भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट जो है ना रखा है वैसा ही रखा हुआ है। फिर आते हैं अपना ऑडियो के अंदर। ऑडियो के अंदर है ना आके आप कौन सा माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो अपना ओबीएस के अंदर, तो वो आपको सेट कर देना है। कि जैसे कि मैं एनवीडिया ब्रॉडकास्ट का माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ये वाला माइक है इसमें है ना बैकग्राउंड साउंड आता है, तो मेरे को एनवीडिया ब्रॉडकास्ट यूज़ करना पड़ता है ओबीएस में, तो ये चीज़ मैंने सेट कर रखी है। और आते हैं अभी हम फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में है ना आपको आता है वीडियो। वीडियो में देखिए क्या होता है कि आपको जो रेजोल्यूशन है तो वो सेट करनी पड़ती है। जैसे कि आप 1440p पे स्ट्रीम करते हैं, तो मैं स्ट्रीम करता हूँ 1440p पे, तो मेरी जो बेस रेजोल्यूशन होती है वो 1920x1080 होती है, लेकिन जो आपके पास जाती है वो 1440p जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बेस रेजोल्यूशन दिख रखी है 1920x1080, ठीक है, और आउटपुट आउटपुट रेजोल्यूशन लिख रखा है 2560x1450। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ग्राफिक कार्ड बड़ा है, आपका ग्राफिक कार्ड है ना ज़्यादा लोड ले सकता है, जैसे कि ये है ना 3070 है मेरे पास, तो मेरा ग्राफिक कार्ड लोड ले सकता है, इसलिए मैं 1440p पे स्ट्रीम करता हूँ। अगर आपका ग्राफिक कार्ड या सीपीयू है ना लोड नहीं लेता है, तो आप है ना 1920x1080 पे ही स्ट्रीम कीजिए। नीचे वाला भी आउटपुट 1920x1080 सेट कर लीजिए। डाउन स्केल फिल्टर में है ना आपको ये सेट करना है 36 सैंपल लेंकोस, और जो आपका FPS है वो आपको मैक्स जितना आपको लास्ट तक आता है उतना सेट कर देना है। मेरा 60 लास्ट आता है तो मैंने 60 सेट कर दिया है। और मैंने होटकी के अंदर है ना कुछ सेट किया नहीं, क्योंकि मेरे को होटकी की जरूरत पड़ती नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी होटकी सेट कर सकते हैं। एसेबिलिटी के अंदर मैंने कुछ सेटिंग चेंज नहीं की है, मैंने इन सब को कुछ छेड़ा नहीं है, मैंने वो डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। एडवांस के अंदर मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, वो भी डिफ़ॉल्ट है। तो मैंने बस चेंज किया है आउटपुट ऑडियो और वीडियो के अंदर चेंजेस किए हैं, जिससे मेरी स्ट्रीम की क्वालिटी इतनी अच्छी आती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो कलर करेक्शन है, जैसे कि आप देखते हो मेरी वैलोरेंट के अंदर है ना कलर करेक्शन इतनी बढ़िया क्यों आती है। जैसे अभी भी आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन है, उसके अंदर कलर करेक्शन मेरी इतनी बढ़िया कैसे आ रही है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आप अपनी कलर करेक्शन देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने गेम कैप्चर के अंदर वैलोरेंट है ना सिलेक्ट करके रखा है, जहाँ पर मैं अपना गेम कैप्चर करता हूँ, तो उस पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर फिल्टर पर जाना है। फिल्टर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करने के बाद कलर करेक्शन का ऑप्शन आएगा। कलर करेक्शन पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गामा कॉन्स्टेंट ब्राइटनेस इन सब पे क्लिक नहीं करना है। आपका जो सेचुरेशन है, सेचुरेशन को आपको बढ़ा देना है 61 पे। 61 पे बढ़ाने के बाद आपकी जो क्वालिटी वो बढ़िया होगी। और फिर आपको जाना है वापस प्लस पे, और यहाँ पर आपको दिखेगा स्टार पेन। स्टार पेन पे क्लिक करने के बाद आपको ये सेट कर देना है 10 पे। 10 पे जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपकी जो स्ट्रीम क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, कलरफुल हो जाएगी। अभी तो जो मैंने आपको सेटिंग बताई है, आप उतनी सेटिंग पे है ना स्ट्रीम कीजिए, डेफिनेटली आपका लैग नहीं करेगा और आपकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी। लेकिन आप है ना बिटरेट का अपना ध्यान रखना, बिटरेट का है ना आप अपने इंटरनेट के अकॉर्डिंग सेट करना। मेरा 100 Mbps स्टेबल रहता है। आप अपना पहले इंटरनेट कनेक्शन चेक करेंगे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना आ रहा है, रेगुलर आप चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग है ना आप अपना है ना बिटरेट हर दिन चेंज करेंगे। एंड आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना। ओके, चलिए, बाय बाय।